एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्हाट्स इन माय थाली टुडे? तो दाल मखनी, करेले की सब्जी, बेसन मिर्ची, चावल, मल्टीग्रेन रोटी और गेहूं की रोटी। तो आज ये सब है मेरी थाली में, लेकिन मैं आज आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यमी रेसिपी है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। दाल मखनी बहुत ज़्यादा फाइबर से भरपूर होती है, मतलब इसमें फुल ऑफ फाइबर्स होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो हार्ट डिजीज़ के लिए हो, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कैंसर से बचाने की भी क्षमता रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल मखनी की रेसिपी, क्योंकि इतनी फ़ायदेमंद है तो चलिए बनाना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल मखनी की रेसिपी। तो दाल मखनी बनाने के लिए हम उड़द दाल और राजमा को ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। जब ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये थोड़े फूल जाते हैं, इसलिए हमें इसे ओवरनाइट भिगोना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे हम इसे कुकर में डालकर नमक ऐड करेंगे, इसमें तेज़पत्ता और दालचीनी भी ऐड करेंगे और फिर हम 8-9 सीटी लगा देंगे। अगर ये बॉईल नहीं होते तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। तो छौंक के लिए मैं यहाँ पे तेल गरम करूँगी, इसमें मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा और लाल सूखी मिर्च ऐड की है। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है। जब लहसुन अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हींग और यहाँ पर एक बड़ा प्याज मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसे जल्दी से गोल्डन ब्राउन होने के लिए मैंने इसमें नमक ऐड किया, ताकि जो प्याज है जल्दी पक जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून और रेड चिल्ली पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अगर आप चाहें तो, अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो मसाला आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तेल में जब हम मसाले डालते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटर, आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप जल्दी बनाना चाहें सब्जी। तो जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे तो इसे ढक के पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है अच्छे से मैश हो। 10 मिनट बाद देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल दाल मखनी, जो हमने दाल को इसमें ऐड करेंगे और बहुत इससे अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि दाल मखनी का जो टेस्ट होता है ना, वो उसको अच्छे से पकाने पर ही आता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और फिर इसे अच्छे से हिलाएंगे और अभी हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो 10 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर ढक्कन हटा के देखेंगे, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इस सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं एक और ट्रिक आजमा रही हूँ, जो आप ही आजमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर एक बार और छौंक लगाऊंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे गरम कर दिया है तेल की जो भी चाहे, जीरा ऐड किया है। अब इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और सीधा इसे ऐड कर दूँगी दाल मखनी के अंदर और उसे ढक लगा दूँगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उस दाल मखनी पर आ जाए। तो इससे क्या होगा कि दाल मखनी और डबल टेस्टी बन जाएगी। तो देखिए रेडी हो गई है, अब बस इसे हमें 2-3 सेकेंड और पकाना है और फिर सर्व करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू और उसके बाद इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से, हरे धनिए बिना तो ये हर सब्जी अधूरी है। और लास्ट में इसे ऐड, अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसे होटल स्टाइल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे मलाई, क्योंकि दाल मखनी है ना, तो मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे दूध के ऊपर जो मलाई आती है उससे ही ऐड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो होटल स्टाइल दाल मखनी रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो दाल मखनी को हमें अपनी थाली में इंक्लूड करना चाहिए, तो आप भी अपनी डाइट में दाल मखनी को इंक्लूड कीजिए। तो चलिए मैंने अपनी थाली परोस ली है और अब मैं इस थाली के यम्मी खाने का मज़े लूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।